मैच नंबर 63 ऑफ द टाटा आईपीएल 2023। एक तरफ होगी लखनऊ सुपर जायंट्स तो दूसरी तरफ होगी मुंबई इंडियंस। दो पावर हाउसेस की लड़ाई है। चलिए आज के इस महामुकाबले की बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस अपना पिछला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेली थी। टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए पहले बल्लेबाजी की मुंबई इंडियंस की टीम ने, लाजवाब बल्लेबाजी की मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने। शुरुआत में रोहित शर्मा और ईशान किशन ने ताबड़तोड़ शुरुआत दे दी थी। उसके बाद जो मोमेंटम चल रहा था उसको स्लो नहीं होने दिया सूर्यकुमार यादव ने। सूर्यकुमार ने एक बेहतरीन शतक जड़ा। जिस तरीके से बल्लेबाजी की सूर्यकुमार ने, सभी को हमेशा से इम्प्रेस करते आए हैं वो, और इस पारी के बाद सभी को अपना फ़ैन बना लिया सूर्या ने। जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है सूर्या का शुरुआती 5-6 मुकाबलों में तो बड़े ही ख़राब फॉर्म में नज़र आ रहे थे स्काई, मगर अब जिस तरीके से कमबैक किया है सूर्या ने, उनके फॉर्म में आते ही मुंबई इंडियंस की टीम भी अच्छा परफॉर्म करती नज़र आ रही है। मुंबई इंडियंस भी अब मुकाबले जीत रही है। पिछले मुकाबले में विष्णु विनोद ने एक लाजवाब पारी खेली। जिस फिनिश की ज़रूरत थी मुंबई इंडियंस की टीम को, वो सूर्य कुमार यादव के साथ उन्होंने लाजवाब साझेदारी की। 30 रन बनाए और क्विक फायर 30 थे वो। जिस तरीके से बल्लेबाजी की विष्णु विनोद ने, बहुत सालों बाद आईपीएल खेलने का मौका मिला है उन्हें और पहले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। गेंदबाजी करते हुए पहले तेज़ गेंदबाजी में आकाश ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, शुभमन गिल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाया उन्होंने। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी गुजरात टाइटंस की तरफ से, सभी बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे थे। स्पिनर्स ने लगाम कस दी गुजरात टाइटंस की टीम की। कुमार कार्तिकेय और पीयूष चावला ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, मिडिल ओवर्स में गेम को बहुत अच्छे से ऑपरेट किया उन्होंने। आकाश को 3 विकेट्स मिले थे और वहीं पीयूष चावला और कुमार कार्तिकेय दोनों को 2 विकेट्स मिले। इस सीज़न में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है मुंबई इंडियंस की फॉर्म के साथ, मगर अच्छी कर दी है मुंबई इंडियंस की टीम ने। तीसरे नंबर पर हैं और मुझे लगता है कि आज बहुत ही कठिन रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स को मुंबई इंडियंस को हराना। वहीं दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स खेली थी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए पहले गेंदबाजी अच्छी रही। ठाकुर, आवेश खान, यदुवीर और अमित मिश्रा सभी को 1-1 विकेट मिले। कुरान पांड्या 2 विकेट लेने में सफल रहे थे। तो ओवरऑल गेंदबाजी में सभी ने मिलकर अच्छी गेंदबाजी की। कलेक्टिव ब्रिलियंस नज़र आया हमें लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी में। जब बल्लेबाजी करने के लिए आई लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, तब शुरुआत में ओपनर्स बड़े स्ट्रगल कर रहे थे। क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स जल्दी आउट होकर चले गए। एक बड़े स्कोर की दरकार थी दोनों ही खिलाड़ियों से, मगर अच्छा नहीं खेले दोनों ही ओपनर्स। इस हिसाब से प्रेरक मनकड़ ने बल्लेबाजी की वो तारीफ के काबिल था। 50 लगाया उन्होंने और मैन ऑफ द मैच रहे। जिस तरीके से एक को बांध के रखा, मैच्योरिटी दिखाई, वो बहुत ही लाजवाब नज़र आ रहा था उनमें। 3 नंबर पर एक अच्छा एडिशन लग रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए मनकट के रूप में, और मुझे लगता है आने वाले मैचेस में उन्हें खेलने का मौका मिलता रहेगा। फिर मार्कस स्टोइनिस आया और मार्कस स्टोइनिस से कुछ बड़े शॉट्स लगाए। मार्कस स्टोइनिस ने अभिषेक शर्मा के खिलाफ खासा एग्रेसिव इंटेंट दिखाया। 2 छक्के लगा चुके थे, तीसरा लगाने के लिए गए, आउट हुए। उसके बाद निकोलस पूरन आया। निकोलस पूरन ने बची हुई 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए। 31 रन आए थे उस ओवर से और उस ओवर के बाद ही गेम ने करवट खाई। चौके और 4 छक्कों की बदौलत 13 गेंदों में 44 रन बनाए थे निकोलस पूरन ने। 300 के ऊपर का स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे पूरन। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे बहुत ही डेंजरस नज़र आ रहे थे। मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी क्रम को बच के रहना होगा निकोलस पूरन से। कप्तान केएल राहुल के जाने के बाद थोड़ी तकलीफ़ों में नज़र आई है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। टॉप ऑर्डर अब लगातार फेल होता नज़र आ रहा है। राहुल जब थे तब वो बहुत ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर रहे थे, मगर उसके बावजूद भी इतनी मुश्किलों में नहीं नज़र आ रही थी लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग, मगर अब पिछले 2 मुकाबलों में थोड़े तकलीफ में नज़र आए हैं। जिस तरीके से निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस ने आके बल्लेबाजी की, वो गेम को हार के मुँह से निकाल लिया। और कहीं ना कहीं निकोलस पूरन ने जिस तरीके से इस साल परफॉर्म किया है, बहुत बड़े एसेट बन गए हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए। कहीं से भी आके मुकाबला जितवा सकते हैं वो लखनऊ को। और जिस तरीके के बल्लेबाज हैं निकोलस पूरन, इंटरनेशनल क्रिकेट में हम सभी जानते हैं कि बहुत ही एक धाकड़ बल्लेबाज की इमेज है उनकी, और पिछले मुकाबले में जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो बहुत ही लाजवाब था। चलिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में। जैसा कि लखनऊ में आज मुकाबला है और लखनऊ के पिच पे स्पिनर्स को मदद बहुत रहती है, तो मुझे लगता है स्पिनर्स का इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहेगा। मुंबई इंडियंस के लिए पीयूष चावला पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। पीयूष चावला का ये 2.0 वर्जन नज़र आ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने पूरे सीजन में गेंदबाजी की है वो बहुत ही लाजवाब रहा है, और मुझे लगता है कि आज भी लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंद बल्लेबाजों के खिलाफ वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे। लखनऊ के लिए आज कप्तान कुणाल पांड्या पर सभी की निगाहें होंगी।
पिछले मैच में कप्तानी करते हुए 2 विकेट लिए थे कुणाल ने, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था। मुझे लगता है कि आज बल्लेबाजी करने का भी मौका मिल सकता है और गेंदबाजी तो करेंगे ही करेंगे, और आज सभी की निगाहें टिकी होंगी कुणाल पांड्या पर। किस तरीके से परफॉर्म करेंगे कुणाल पांड्या देखना होगा। कप्तानी का प्रेशर थोड़ा सा नज़र आ रहा है उनकी गेंदबाजी पे, थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव कप्तान हैं वो, थोड़े प्लेयर्स के ऊपर भी एग्रेशन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कुणाल पांड्या। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी सीखेंगे वो, समय लगेगा इस चीज़ में, एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके अंदर ये मैच्योरिटी आएगी कि कैप्टनसी कैसे करी जाएगी। और मुझे लगता है कि आज कुणाल पांड्या एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते नज़र आ सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अगर विजेता पिक करना हो आज के मुकाबले में, तो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस आज का मुकाबला हरा देगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। लखनऊ की टीम अच्छा खेलती आई है, अच्छा खेल रही है, मगर मुझे लगता है मुंबई इंडियंस जिस तरीके की फॉर्म में है, मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी जिस तरीके की फॉर्म में है, लखनऊ सुपर जायंट्स को बच के रहना होगा। और आज मुंबई इंडियंस आएगी और तबाही मचाने के लिए खेलेगी। मुंबई इंडियंस जिस तरीके से परफॉर्म किया है पिछले कुछ मुकाबलों में, सभी खिलाड़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि आज मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को उन्हीं के घर में खदेड़ देगी। आज आशा कर सकते हैं हम कि मुंबई इंडियंस पिछले मुकाबले की तरह ही बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। थोड़ा सा लोअर मिडल ऑर्डर तकलीफ में नज़र आ रहा है, कैमरून ग्रीन किस नंबर पर खेलेंगे वो अभी भी सवाल निशान है उनके पोजीशन पर, और टिम डेविड की ख़राब फॉर्म एक कंसर्न हो सकती है। मगर मुझे लगता है ओवरऑल मुंबई इंडियंस थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, और आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स को उन्हीं के घर में हरा देगी। ये था LSG वर्सेस MI का प्रीव्यू। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।